everybody, welcome to Madhuram's world, and I am Madhuram. So first and I'm Shweta again. And she's Shweta again, and we are heading for a new trip today, another trip actually. And कहाँ जा रहे हैं? We'll be showing you that. It's a surprise for you. But हम आपको सारी चीजें दिखाएंगे. हम कहाँ जा रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? So that आप भी वहाँ पे जाओ और enjoy करो. ठीक है? So it's early morning now, and then let's go and see where we are going. And let's enjoy the trip. Tell you, हम कहाँ हैं? हम हैं मैसूर में और हम बहुत सारी जगहों पे जाएंगे मैसूर में. अभी फर्स्ट प्लेस इज टीपू सुल्तान समर पैलेस. मैं आपको दिखाती हूँ. Okay. मैं आपको अंदर जाके सारी चीजें दिखाऊंगी कि अभी हम टिकट ले रहे हैं. टिकट लेने के बाद हम अंदर जाएंगे और टिपू सुल्तान का समय पाल लेंगे. ये मेन एंट्री है. तो ऐसा मैंने पढ़ा था कि इट वॉज कंस्ट्रक्टेड 1974 और टिपू सुल्तान के पिताश्री द्वारा ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था एंड कंप्लीट टिपू सुल्तान के एरा में हुआ. दरवाजा जहाँ से हम जाएंगे अभी. हिस्टोरिकल थिंग्स तो हमेशा से ही है और बट यस मेंटेनेंस जरूरी है. श्वेता गाइड इज हियर जिनको अभी चीजें नहीं पता है बट आई एम एक्सप्लेनिंग हर एंड अनदर गाइड वी आर हैविंग इज वैभव. आर यू एंजॉयिंग नाउ? बेस्ट प्लेस इज ज्यादा लोग नहीं है. So social distancing is all. I think only distancing and distancing. Because social as feel nahi ho raha mujhe. But yes, that's what I said. Maintenance is very very important for historical monuments. If they are not maintained, they look so dirty. It's very clean all around. First place. There are many more to go.
कर लो, कनेक्ट कर लो। एक वाटर गेट है। नॉट श्योर अंदर अलाउड होगा कि नहीं, बट स्टिल मैं आप लोग को बाहर से पालस दिखा रही हूँ। यहाँ भी एक मंदिर दिख रहा है मुझे। एक्चुअली मुझे अभी अभी पता चला कि देर आर 8 गेट्स टू दिस पैलेस। हम जो जैसे देख रहे हैं दिस इज वन गेट, the other views are redirection. मुझे वहाँ भी एक गेट नजर आ रहा है। I think this is another gate. Nice. Actually यहाँ पे हमने shoes समेट किए अपने, because they have asked कि हमें barefoot जाना होगा to visit palace. So now we are deciding which is entry, which is exit. थोड़े confused हैं सब लोग. So let's see कहाँ से enter करते हैं, कहाँ से exit होगा. Entry उधर से है शायद, नहीं?
premises of Paris. गैलरी जहाँ से हम जा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट गेट्स हैं। हम खाली पैर से थे, नो फुटवेयर, बट दैट्स नाइस। क्लीनिनेस इज इम्पोर्टेंट, उसके लिए लोगों को फुटवेयर निकालनी पड़ेगी अदरवाइज। ये बहुत सारे लाइट्स लगे हुए हैं, यू कैन सी दैट दीज आर लाइट्स जो रात में जलने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। सो अगर आप गूगल करोगे एंड यू कैन सी माइसूर पैलेस, यू विल ऑलवेज सी ब्यूटीफुल लाइट्स। I think so. Basically, these are kind of exhibitions that they have given. जो लोगों को gift मिले थे, जब ये थे. It's a beautiful carving done on the walls. Entirely all the exhibitions, all the gifts. This is again the part of my head. Actually, I got to know that sandalwood is famous in Mysore. So, most of the things you will see is of sandalwood. जब एक दूसरे शहर में जाते थे तो वहाँ एक दूसरे को ये गिफ्ट देते थे, स्पेशली इन नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट। मम्मी पापा से फोटो सेशन कर रहे हैं और मैं साथ साथ में आप लोगों को मैसूर पैलेस दिखा रही हूँ। डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस इन द पैलेस एक्चुअली, अगर आप जाओगे ना तो आपको कोई सेक्शन ऐसा दिखेगा जहाँ पे गिफ्ट आइटम्स दिखेंगे, कहीं पे डिफरेंट मिरर्स दिखे मुझे, कहीं पे ये स्टैचूज दिख रहे हैं। बट यस, दोज आर रियली वेरी ब्यूटीफुल एंड रीजन बिहाइंड दे आर वेरी मेंटेन्ड। जिन्हें वृंदावन गार्डन बनाई,
कृष्णा राधे का वो गार्डन वो बनाया है मिर्जा से पुराने जमाने में जैसे हम देखते थे ना ड्रेसिंग टेबल मिरर है गाइस नहीं लिप्स तो अभी लगाए होंगे बट आई थिंक पहले लिप्स नहीं होंगे ना ये एक सेक्शन है महल का जहाँ मुझे लगता है कुश्ती होती होगी ना या तलवार की जो फाइट होती थी सबसे ज्यादा खूबसूरत लगता है ना रात में सारी लाइट्स जल जाती है ना रात में बहुत खूबसूरत लगता है इट्स मोर ऑफ लाइक यू कैन स्टैंड चलेगा एक्चुअली मैं रिकॉर्डिंग में दोस्तों कहीं मैंने देखी प्लीज आई एम टेकिंग द फ्रंट व्यू ऑफ द पैलेस एज वेल फॉर यू सो ये आपका फ्रंट व्यू है पैलेस का मैसूर पैलेस और यहाँ पे एक फ्लावर शो चल रहा है जहाँ पे हर एक चीज़ फ्लावर्स की बनी हुई है सो सो ब्यूटिफुल गाइस दिस इज एंटायर गार्डन ऑफ फ्लावर्स इट्स ऑल ओरिजिनल फ्लावर्स इंडिविजुअली भी दिखाती हूँ ये भी फ्लावर का ही मंदिर है सो क्रिएटिव थिंग्स क्या बेहतर है ना मैं क्विकली आपको सारी चीज़ें दिखा रही हूँ इवन आई एम एंजॉइंग इट इट्स ऑसम मैन इट्स ऑसम हर एक चीज फ्लावर्स की बनी है हर एक चीज साथ साथ में फोटोज ले रही हूँ आपके
अच्छे पैलेस है, आगे फ्लैट, ब्यूटीफुल आई थिंक। सॉरी गाइस, आई एम कंटिन्यूइंग विद माय ब्लॉग नाउ। कल क्या हुआ ना, कल हम लोग निकले थे फॉर 31st नाइट एंड हम जहाँ भी गए थे मैसूर में, आप ऑलरेडी दिखा चुके वीडियो में, तो वहाँ पे वी वेंट थ्रू अ ट्रेजेडी जिसमें हमारे कार में इश्यूज हो गए थे एंड बहुत सारे इश्यूज हुए थे एंड फाइनली हम घर पहुँचे थे ऑलमोस्ट 10 से 11 बजे रात में। सो मैं ब्लॉग एंड नहीं कर पाई, सो आई एम कंटिन्यूइंग सेम टुडे। इट्स अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock in Bangalore and again we are heading towards our picnic spot which I'll be showing you soon how it's going to be and hope you guys will also enjoy with us. Okay, main aapko sari cheeze dikhaungi. We are going to a Hoganickel Fall, I'm sorry for the pronunciation because mujhe pronunciation ka issue rehta hai yahan par destinations ko leke, but I hope ye issue nahi hoga and let's go and enjoy. हम कुछ देर के लिए रास्ते में रुके हैं एक घंटे में पहुंच जाएंगे हम अपने डेस्टिनेशन पे। वैसे सीनिक ब्यूटी बहुत ही अच्छी है एंड फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, इससे अच्छा क्या हो सकता है। अपडेट करना चाहती हूँ कि अभी मैं जस्ट पहुँची हूँ एंड सीनरी वॉज ऑसम। मैं सारी वीडियोस आपने देखी होंगे कि मैंने उसमें डाला है कि फुल ऑफ सीनिक ब्यूटी एंड फाइनली रिलीज, बट इट इज़ वेरी मच मेंटेन। आई कैन सी द क्लीनिनेस ओवर हियर एंड जो भी मैनेजमेंट है दैट इज़ वेरी प्रॉपर रिगार्डिंग योर पार्किंग एंड वॉशरूम स्पेसिफिकली दैट वी मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर कंसर्न अबाउट। सो दैट वॉशरूम वॉज वेरी क्लीन एंड क्लियर, सो let's go and see how it is. So on our way to Hoganickel Fall. Yes, finally. And with me is Soumya Sinha. So Soumya is there with us and we are on picnic. Yo. First January ke din agar picnic nahi banaya to kya banaya? I mean just having party at home and all is good, but picnic much required. Bachpan ki yaadein hum taza karne ja rahe hain. So I'll be taking you guys through. Wait and watch. तो ये रास्ते हैं जहाँ से हम वाटरफॉल जा सकते हैं। सो एवरीबॉडी इज गोइंग टुवर्ड्स दैट।
एग्जैक्टली फ्राइड फिश आई थिंक यहाँ की स्पेशलिटी है राइट गर्मा गर्म फ्राइड फिश सो एंजॉय द एनवायरनमेंट एंजॉय नेचर विद गर्मा गर्म फिश फ्राई एंड व्हाटएवर यू वांट एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं एक्चुअली यहाँ पे फिशेज आपको मिलेंगी फ्रेश फिशेज फ्रेश फ्राइड फिश आप फिश पसंद कर सकते हो एंड देन यू कैन आस्क फॉर योर ओन टेस्ट सॉरी गाइस मैं शूट कर रही हूँ दिस इज अनबिलीवेबल आई मीन द फ्रेश थिंग्स यू आर गोइंग टू हैव So they are providing you life jackets, which is going to be safe for you because you are boat mein hoge, so it's quite risky. I know crowd is there, but comparatively they are saying there is less crowd today. ये सारे boats हैं जो boat लेके वो जा रहे हैं. क्या नाम है इस लेक का शिट फॉल का क्या नाम है पापा होगे निकल फॉल यस सारे लोग हमारे साथ हैं एंड वी आर जस्ट एंजॉयिंग दिस व्यू ऑसम एक्सपीरियंस गाइस मस्ट विजिट क्लीन वाटर अपन सब लोग हैं डोंट वरी दूसरी बोट में आप वीडियो कॉल कर रहे हैं किसको कर रहे हैं यार मैं कैसे उल्टी हूँ मेरे पीछे पानी गिर जाएगा सीधा मुझे दिख भी नहीं रहा चीनू देखो चीनू देखो और सब फोटो लिए मेरी वाली चीनू मेरी में लेना प्लीज जल्दी अब जा बाल एक बार एक बार एक बार वापस जा रहे हैं अभी एक्चुअली वहाँ पे एक और लोकेशन था जहाँ पे आई थिंक पीपल हुआ इंटरेस्टेड टू टेक बाथ वो जाइए तो उनको ज़्यादा मज़ा आता है बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू डू सो सो वी आर रिटर्निंग बैक बिकॉज वी हैव अनदर प्लान ऑफ पिकनिक एज वेल सो आई विल बी टेकिंग यू टू दैट प्लेस एज वेल जहाँ पे हम पिकनिक करेंगे सो हैप्पी न्यू ईयर गाइस हैप्पी न्यू ईयर आ रही हो क्या भाई इसका डिप कितना कितना जा रहा है 30 फीट और ये उसको बहुत अच्छे से बताया गया वही लगता है वो जैसे ही आया था ना वो मैंने जल्दी जल्दी लिया था कितना अच्छा लगा
बहुत ही ज़्यादा थक गए थे, सो वी नीड दिस सोडा टू रिलैक्स आवरसेल्फ। जगह आए और ये सारी चीजें ना खाए, वाओ, आम नहीं खाए तो फिर एग्जैक्टली आई मीन होगे निकल आए एंड आम नहीं खाए तो आपने बहुत कुछ मिस किया, सो इट्स लाइक टेस्टी टेस्टी नाइस। दीज आर ड्राई फिश, यहाँ पे लोग आके नहाते भी हैं तो आप यहाँ पे आके नहा भी सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, फ्रेश वाटर, क्लीन वाटर। दिस इज द लोकेशन फॉर आर पिकनिक एंड वी आर हियर विद फैमिली एंड एवरीबॉडी हैव बीन सेटल्ड डाउन। बैठने की अरेंजमेंट हो गई है एंड अपना गैस भी रेडी है फॉर कुकिंग एंड ऑल। So we are going to enjoy our picnic. दिल से बनाया हुआ खाना हमें याद रहेगा लिटरली इस पिकनिक पे। बहुत तेज हवा चल रही है यहाँ पे और हमारे ये चावल आगे कभी फैल रहे हैं। ये मैंने किस लिए की जा रही है क्योंकि यहाँ बहुत तेज हवा चल रही है। डेडिकेशन गाइस, किसी के पास। हैप्पी न्यू ईयर, वी एंडेड आवर डे विद सेलिब्रेशन।